पार्टी में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने संबंधित कार्य का बहिष्कार कर 10 मई बिजली गई का नारा दिया। पार्टी मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दे दी है। सोमवार को पार्टी में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित कार्यों का बहिष्कार किया। वहीं कार्यों के बहिष्कार के बाद भी इमरजेंसी के लिए तत्पर रहे। आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संघ के सदस्य मुकेश भावसार ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी के दौरान भी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ गर्मी के तेज धूप में बिजली का खतरा, इसके बावजूद सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कोरोना योद्धा में शामिल नहीं कर रही, जबकि हम लोगों को फ्रंटलाइन वर्करों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपने नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के इलाज के लिए अग्रिम राशि की व्यवस्था की है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों जिनका वेतन 8 से 10 हजार प्रतिमाह है, उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और न ही कोरोना योद्धा योजना में शामिल किया गया है। ऐसी 8 सूत्र मांगे हैं जिसमें बिजली विभाग को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए, विद्युत दुर्घटना में मृत परिवार के सदस्यों को 20 लाख का मुआवजा राशि दिया जाए, बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनियों में संविलियन किया जाए, बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारी के जो नए टेंडर हुए उसमें आउटसोर्स कंपनियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए, बिजली कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, बिजली कंपनियों ने नियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारियों को अग्रिम चिकित्सा राशि प्रदान की है, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को भी अग्रिम चिकित्सा राशि में शामिल करने की मांग की है, बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के नए टेंडर हुए उसमें पुराने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। संगठन की मांग है कि पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को भी यथावत नौकरी पर रखा जाए, बिजली कंपनी से ठेकेदारी प्रथा खत्म कर नई भर्ती में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाए। मांगों का निराकरण नहीं होता तो प्रदेश स्तर से संगठन को जैसे निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार आगामी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, आज हम बिजली आउटसोर्स के कर्मचारी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कार्य का बहिष्कार करने की कुछ हमारी मांगे हैं, जैसा कोरोना महामारी चल रही है तो हमें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए और बिजली विभाग में हमारा सर्विलेन किया जाए, और जो भी हमारे कर्मचारी हैं जो अगर इस महामारी में संक्रमित होते हैं तो उसको पूर्व के लिए आर्थिक राशि दी जाए, सहायता दी जाए ताकि उसका अच्छे से इलाज हो पाए। ये कब तक रहेगा आपका संघ? ये प्रदेश से जैसे जानकारी मिली है सिर्फ आज 10 तारीख के को सुबह 8 बजे से 5 तक का है। अगर मांगे पूरे नहीं होती है तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? और मांगे पूरी नहीं होती, कोशिश तो हमारी कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए और हमारी मांगों का जल्द से जल्द समाधान हो। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो जैसे भी प्रदेश से जो हमको निर्देश मिलते हैं हम उसका पालन करने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हम कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, वैसे हम कार्य का बहिष्कार तो कर रहे हैं लेकिन हम कार्यालय में उपस्थित इसलिए हैं ताकि हम इमरजेंसी सेवाएं जितनी भी हॉस्पिटल है, कोरोना सेंटर है, उसके लिए हम यहाँ पर तत्पर भी है। अगर कुछ ऐसी स्थिति में विद्युत में बाधा उत्पन्न होती है तो हम उसके लिए तत्पर भी है। ये तो हमारा मानवता और ये हमारा कर्तव्य भी है। प्रदेश से जैसे जानकारी मिली है सिर्फ आज 10 तारीख के को सुबह 8 बजे से 5 तक का है। अगर मांगे पूरे नहीं होती है तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? और मांगे पूरी नहीं होती, कोशिश तो हमारी कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए और हमारी मांगों का जल्द से जल्द समाधान हो। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो जैसे भी प्रदेश से जो हमको निर्देश मिलते हैं हम उसका पालन करने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हम कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, वैसे हम कार्य का बहिष्कार तो कर रहे हैं लेकिन हम कार्यालय में उपस्थित इसलिए हैं ताकि हम इमरजेंसी सेवाएं जितनी भी हॉस्पिटल है, कोरोना सेंटर है, उसके लिए हम यहाँ पर तत्पर भी है। अगर कुछ ऐसी स्थिति में विद्युत में बाधा उत्पन्न होती है तो हम उसके लिए तत्पर भी है। ये तो हमारा मानवता और ये हमारा कर्तव्य भी है।